हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट में जो रिटर्न टेस्ट हुआ है असिस्टेंट का बीपीएस 15 का 13 अगस्त 2022 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये इवनिंग का पेपर है और इसके जो अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस कुछ इस तरह से था। इसमें इस्लामिक स्टडीज़, जीके, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ और जॉब रिलेटेड यानी कि कंप्यूटर के रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। टोटल जो टाइमिंग दिया गया था वो 90 मिनट्स का था और जो टोटल मार्क्स थे वो 100 थे। सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, वट इज़ द मीनिंग ऑफ द idiom once in a blue moon? सो ये once in a blue moon ये एक idiom है। इसका मतलब होता है rarely, यानी कि ऐसा काम जो शाज़ो नादर ही होता है, कभी कभार होता है, उसर हम इस idiom का यूज़ कर सकते हैं once in a blue moon। जैसे कि आप अगर कहना चाहें कि मैं कभी कभार कराची जाता हूँ तो आप कह सकते हैं आई गो टू कराची वंस इन अ ब्लू मून। मैं कभी कभार गांव जाता हूं तो आप कह सकते हैं आई गो टू द विलेज वंस इन अ ब्लू मून। सो इस तरह ब्लू वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, यानी कि जो बार बार ना हो उधर हम इस idiom का यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा idiom है, आप इसे स्पोकन और रिटन में ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? सो हेडक्वार्टर ऑफ सार्क जो है ये काठमांडू में लोकेटेड है और सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और ये एक इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 8 कंट्रीज़ हैं। 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो काठमांडू इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डी ओ लेटर मीन्स? डी ओ लेटर का मतलब होता है डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी ऑफिशियल लेटर इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड हेल्थ डे सेहत का जो आलमी दिन है ये 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 का इसका थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल थीम इसका चेंज होता है। 2022 का इसका थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ और 2021 का इसका थीम था बिल्डिंग अ फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। 7 अप्रैल को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल को एनिवर्सरी है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। WHO को 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी कंप्लीट हम डिस्कस करें तो इसको 16 नवंबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है फ्रांस में और FATF का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। इसके साथ साथ इसे लंदन UK में इस्टेब्लिश किया गया था लेकिन इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसमें 193 मेंबर्स हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। वट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अटक? अटक का जो ओल्ड नेम था वो था कंपेलपुर। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंपेलपुर किसका ओल्ड नेम था, सो अटक इसका करेक्ट आंसर है। विच विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर? सो 2024 जो है ये आने वाला लीप ईयर है। लीप ईयर उसे कहते हैं जिसमें 29 दिन होते हैं फरवरी के और साल के 366 दिन होते हैं। लास्ट जो लीप ईयर था वो 2020 में था, 29 फरवरी 2020 को, जब अमेरिका और तालिबान ने दोहा में एग्रीमेंट किया था कि हम फौजों को निकालेंगे। अमेरिका ने, नेटो ने ये एहतियात किया था 29 फरवरी को। सो ये लीप ईयर था लेकिन अब जो नेक्स्ट लीप ईयर होगा वो 2024 ही होगा। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल मार्टर ऑफ इस्लाम? इस्लाम की पहली फीमेल मार्टर वो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। और आपसे ये क्वेश्चन है कि ये तो फीमेल मार्टर थी, मेल मार्टर कौन थे इस्लाम के पहले, वो आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन? सो पाकिस्तान का जो नज़रिया है, पाकिस्तान है, ये इस्लाम पर बेस्ड है। इस्लाम इसका करेक्ट आंसर है। इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल? सो प्रिंट ले आउट व्यू इसका करेक्ट आंसर है। प्रिंट ले आउट व्यू इसका करेक्ट आंसर है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज बिट? बिट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एड्रेस्ड खुतबा जुम्मा फॉर द फर्स्ट टाइम इन
फर्स्ट हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला खुतबा जुम्मा दिया था, और यही इसका करेक्ट आंसर है। द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री विद एरिया इज़, सो बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री विद एरिया जो है वो कज़ाकिस्तान है। अगर पापुलेशन की बात करें तो पापुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है, और ये हमने लिस्ट भी दी हुई है सिटीज़ जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। और सबसे पहले है इंडोनेशिया पापुलेशन के हवाले से, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, ये आप लिस्ट भी देख सकते हैं। फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर, पहली मर्तबा जो सेंसस कंडक्ट की गई थी पाकिस्तान में वो 1951 में। इस अब तक छः मर्तबा जो है सेंसस हो चुकी है पाकिस्तान में, पहली मर्तबा 51 में, दूसरी मर्तबा 61, तीसरी मर्तबा 72, और चौथी मर्तबा 81, पाँचवीं मर्तबा 98, और लास्ट जो हुई थी सेंसस हुई थी वो 2017 में हुई थी। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसका करेक्ट आंसर है 9 ईयर्स, 9 साल के बाद पाकिस्तान ने अपना पहला आइन हासिल किया था, और इसमें 234 आर्टिकल्स थे, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर लें, testpoint.pk विजिट करके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस इज़ अपॉइंटेड बाय, गवर्नर जो होता है प्रोविंस का, सूबे का, उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सो इसका यही करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर के मशवरे पर, वज़ीर आज़म की सलाह पर इसे अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को, और इसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है, यानी कि गवर्नर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अल हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय, सो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा इसका करेक्ट आंसर है, और ये जो है हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने इसको लिखा था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को, और सुलह हुदैबिया जो है ये 6 हिजरी को हुआ था। सेनेट जो मेंबरशिप होती है सेनेट ऑफ पाकिस्तान की, इसका 6 ईयर्स करेक्ट है, 6 साल के लिए पाकिस्तान के में जो सेनेट है उसको सेनेटर को अपॉइंट किया जाता है, सो 6 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, सो बैराज के बारे में 2-3 क्वेश्चंस थे, सक्कर बैराज जो है ये पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बैराज है, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच सूरा वाज द फर्स्ट टू बी रिवील्ड, सूरह अल अलक इसका करेक्ट आंसर है, सूरह अल अलक पहली मर्तबा नाजिल हुई थी, यही इसका करेक्ट आंसर है। इंडस बेसिन ट्रीटी ये कब हुआ था, ये 1960 में हुआ था, और ये पानी के मामले पर इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी या फिर इंडस बेसिन ट्रीटी भी कहा जाता है, और ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था, इसमें वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की थी, अयूब खान ने पाकिस्तान की तरफ से इस पर साइन किए थे। और ताशकंद डिक्लेरेशन कब हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसका काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देयर आर हाउ मेनी मदनी सूराज इन द होली कुरान, सो कुरान मजीद में 28 मदनी सूराज हैं, और इसके साथ साथ ये आप इनकी लिस्ट भी देख सकते हैं, अल बकरा से लेकर, सूरा बकरा से लेकर जो 28वें हैं अल अल नसर तक, ये सारे जो हैं मदनी सूराज हैं। और आपको ये भी मालूम होने चाहिए कि मक्की सूराज कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन विच हिजरी द हज वाज मेड कंपलसरी, हज जो है ये 9 हिजरी को फ़र्ज हुआ था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को हज अदा किया था, और उन्होंने 9 ज़िलहज को जो है हज का खुतबा दिया था, और उन्होंने 4 मरतबा उम्र अदा किया था, लेकिन 1 मरतबा हज अदा किया था। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतोनियो गुतरस जो हैं इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, और ये पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, पुर्तगाल के ये वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, 2017 से लेकर अब तक ये सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। इनसे पहले बान की मून हुआ करते थे साउथ कोरिया से जो ताल्लुक़ रखते थे, उनसे पहले जो 7वें सेक्रेटरी जनरल थे वो थे कोफी अनान जो गाना से ताल्लुक़ रखते थे, और ये इंतकाल भी कर गए हैं रिसेंटली, सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको ज़रूर याद रखें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज मार्टर्ड इन विच हिजरी, सो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 40 हिजरी को शहीद किए गए रमज़ानुल मुबारक के महीने में, सो यही इसका करेक्ट आंसर है, और इनका जो मज़ार मुबारक है वो नजफ़ में है इराक़ में, सो यही इसका करेक्ट आंसर है।
इस वीडियो लेक्चर में चंद ही MCQs हमने डिस्कस किए हैं। इस पेपर के कंप्लीट MCQs के लिए आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें testpoint.pk को। यहाँ आप देख सकते हैं MLC असिस्टेंट का पेपर जो 13/8/2022 को हुआ है, इसके MCQs आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ आपको करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी, GK, पाक स्टडी, इंग्लिश के रिलेटेड करंट अफेयर्स डेली यहाँ अपडेट किए जाते हैं। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।